चपेट में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस महामारी की लड़ाई में केंद्र सरकार के साथ है, और मैं इसे दोहराना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी इसमें कर सकती है केंद्र सरकार की मदद के लिए, हम करने को तैयार हैं। हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शायद मध्य प्रदेश एक ही प्रदेश है पूरे विश्व में जहां ना तो स्वास्थ्य मंत्री है ना तो गृह मंत्री है। 16 मार्च को जब मैंने इस्तीफा दिया, राहुल जी ने तो 12 फरवरी को ध्यान आकर्षित किया था, अपनी चिंता व्यक्त करी थी कि किस प्रकार से अपने देश में ये हालात उत्पन्न होने वाले हैं, गंभीर स्थिति किस प्रकार की है, और उसके 40 दिन बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बड़े संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में और सरकार बनाने में केंद्र सरकार ने देरी करी। 8 फरवरी को 19 विधायक 3 चार्टर जेट में ले गए, कर्नाटक ले गए, एक रिजॉर्ट में रखे गए। 8 मार्च था वो, और 8 मार्च से लेके वे अभी तक वापस नहीं आए, अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना, ये हालात है। 8 मार्च के बाद जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने शुरुआत करी थी, हमने कॉलेज मॉल और इस प्रकार की चीजों को बंद कर दिया था। ये हमने बंद किया था मेरे ख्याल में 12 मार्च को हमने बंद कर दिए थे, हमने कदम शुरू कर दिए थे। लॉकडाउन नहीं था, पर हमने एक प्रकार का लॉकडाउन अपने यहाँ शुरू किया था जब इस प्रकार की गंभीर समस्या का संकेत मिलने शुरू हुआ। उसके बाद 16 मार्च को मैंने इस्तीफा दिया। 16 मार्च के बाद कोई एक्शन केंद्र सरकार ने नहीं लिया, क्योंकि वह इंतजार कर रहे थे मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने की। और 23 मार्च को नए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने शपथ ली। इसका मतलब कि इंतजार किस बात की थी? इंतजार थी राज्यपाल के पास जा रहे थे, कोई विधायक यहां भोपाल में नहीं उपस्थित थे, राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की बात कर रहा था। 16 मार्च को जब हमारी विधानसभा शुरू हुई, हमारे स्पीकर ने यह घोषणा करी कि कोरोना के कारण वे 26 तक पहले फेज में 26 तक स्थगित करेंगे। इसका मजाक उड़ाया गया, कौन सा कोरोना, कैसा कोरोना। जब ये विधानसभा स्थगित हुई, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने फ्लोर टेस्ट की बात करी, तो मैंने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हमारे 22 विधायक बंद थे, कर्नाटक के रिजॉर्ट में बंद थे। ये तो हालात थे अपने प्रदेश में। और 23 मार्च को जब शिवराज सिंह जी ने अपना इस्तीफा दिया, 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ। ये पूरे देश को ये बात समझनी है, पहचाननी है कि किस प्रकार के इंतजार कर रहे थे केवल सरकार गिराने की और सरकार बचाने की। आज ये गंभीर स्थिति है, और हमें सबसे बड़ी चीज तो देखनी है कि हम आज केवल शहरी क्षेत्रों में ये टेस्टिंग हो रही है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी टेस्टिंग हो रही है, हमारे टेस्टिंग के क्या इक्विपमेंट है, हमारी क्या जो रैपिड टेस्टिंग के हुए क्या आ रहे हैं, कितनी कमी है। मध्य प्रदेश में तो 10 लाख में से कुछ गिने चुने लोगों का की टेस्टिंग होती है, मेरे ख्याल में 25 या 30 लोगों की टेस्टिंग होती है 10 लाख लोगों में से। तो दित्ता टेस्ट उत्ता करोना, तो दित्ता टेस्ट कम करो उत्ता कम करोना, दित्ता टेस्ट ज्यादा करो उत्ता ज्यादा करोना। आज जो एक चिंता की बात है कि हम जो आंकड़े निकाल रहे हैं, ये केवल लगभग शहरी क्षेत्रों के हैं, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नहीं है। मध्य प्रदेश में गांव में जो लोग बाहर काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश घिरा हुआ है 5 राज्यों से, उन राज्यों से 25-30-35% लोग वापस आ गए, लॉकडाउन के पहले वापस आ गए, अपने गांव में हैं। क्या इन्फेक्शन लाए हैं,
गांव में क्या टेस्टिंग हो रही है, हमारे कस्बों में क्या टेस्टिंग हो रही है, आज इसका तो कोई कह नहीं सकता, कोई आंकड़े नहीं है। और आंकड़े तो छोड़िए, हमारे टेस्टिंग किट नहीं है, टेस्टिंग किट नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग किट तो इंतजार कर रहे थे इसका ऑर्डर, तो जब राहुल जी ने कहा था 12 फरवरी को, जब पूरे विश्व में इसकी चिंता हो गई थी, टेस्टिंग किट उस समय केंद्र सरकार को ऑर्डर कर देने चाहिए थे, पर टेस्टिंग किट नहीं ऑर्डर करे, कब ऑर्डर करे, जब स्थिति गंभीर बन गई। और आज इसकी कितनी कमी है टेस्टिंग किट्स की, और यही कारण है कि आज ये हमारा कोरोना इतना फैल रहा है। तो मैं आपसे अगर कोई प्रश्न हो, मैं प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं, और खास करके मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप ये तारीखें गिन लें कि किस तारीख को क्या हुआ, कैसे ये विधायक गए कर्नाटक, कैसे कोई एक्शन नहीं लिया गया, और एक्शन तभी लिया गया जब इनकी सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 23 रात के 9 बजे शपथ ली। कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं, और आज तक कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं, कोई गृह मंत्री नहीं, कोई मंत्रिमंडल नहीं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव निकला है, लगभग 45 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोरोना पॉजिटिव में आए हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव में, और यहाँ तो बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा। इसीलिए तो ये हेल्थ ऑफिशियल जो थे, जो आपस में मीटिंग कर रहे थे, जो आपस में इनकी मीटिंग मुख्यमंत्री से हो रही थी, अधिकारियों के बीच में हो रही थी, क्या किसी प्रदेश में 45 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जिनका मैं मानता हूं प्रथम कर्तव्य है इसका इसका मुकाबला करने में, ये आज कोरोना पॉजिटिव है।